दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जितनी भी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सब इजी टू कुक होती हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स भी आपको घर में ही मिल जाते हैं। तो आज ऐसी ही एक इजी टू कुक साउथ इंडिया की फेमस रेसिपी के साथ मैं फिर आप लोगों के साथ आ गई हूँ, जो है कोकोनट राइस की रेसिपी। इसे इंजॉय किया जाता है चटनी और पापड़ के साथ। जब इस तरीके से आप इसे बना करके खाएंगे ना, तो अपने आप में एक कंप्लीट मील लगेगी आपको। ये इतनी स्वादिष्ट बनके तैयार होती है ये कोकोनट राइस की रेसिपी। कोकोनट राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून घी के। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं और क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो घी के गर्म होते ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चना दाल का। चना दाल को इसमें ऐड कर देने के बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों दाना का, और साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 सूखी हुई लाल मिर्च जिन्हें मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। अब इन सारी चीजों को हम लो फ्लेम में चला लेंगे जब तक कि दाल का कलर गोल्डन नहीं हो जाता और मिर्च जो है हमारी वो करारी नहीं हो जाती। तो लो फ्लेम करके इन्हें भूनेंगे और इसमें जाएगा थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और साथ में इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्च जिन्हें इस तरीके से हमने कट लगा लिया है, और सारी चीजों को थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट का, और कोकोनट को इसमें ऐड कर देने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेना है। तो मैं लगभग 1 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में भून रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस, कुक्ड राइस। तो मैंने लगभग 1.25 कप राइस बना लिए थे, तो ये कुक्ड राइस इसमें चला जाएगा अब। और राइस को इसमें ऐड कर देने के बाद इसे सारी चीजों के साथ कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऐड कर लें। नमक को डाल लेने के बाद इसे राइस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने लगभग 2 टेबलस्पून पीनट्स को भून लिया था और भून करके उसका छिलका निकाल लिया था, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और बस मूंगफली दाना को इसमें डाल लेने के बाद 3-4 मिनट इसको भून लेना है हमें और राइस को। और 3 से 4 मिनट भून लेने के बाद रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। और सर्व किया है हमने यहाँ पर कोकोनट राइस की इस रेसिपी को पापड़ और चटनी के साथ। तो जो इसके साथ स्पेशल चटनी सर्व की जाती है उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। और इस तरीके से आप इसे खाइए इस चटनी और पापड़ के साथ, बहुत स्वादिष्ट लगेगी आपको ये रेसिपी। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा ये वीडियो और रेसिपी अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।